तो दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत आप लोग भी फ्री में गैस कनेक्शन ले सकते हो। अभी तक अगर आप लोगों ने गैस कनेक्शन नहीं लिया है तो इस योजना के तहत आप लोग गैस कनेक्शन ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप लोगों को कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा, बशर्ते दोस्तों इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को फुलफिल करना पड़ेगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो इसका क्या प्रोसेस होगा, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में कनेक्शन के लिए आप लोगों को इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा और भी जानकारी के लिए आप लोगों को इसी वेबसाइट में आना होगा, जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सबका डिटेल्स आप लोगों को इसी वेबसाइट में मिलेगा या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं और पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, साथ ही मैं सबमिट करके भी बताऊंगा पूरा फॉर्म और आगे का प्रोसेस भी बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे आ जाने के बाद आप लोगों को तीन ऑप्शन मिलेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और बेनिफिट्स टू कस्टमर। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसके लिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पर। फर्स्ट नंबर में आप लोगों को केवाईसी के लिए आधार जरूरी है। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर में राशन कार्ड आप लोगों का रहना चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है। फिर दोस्तों थर्ड नंबर में आप लोग देख सकते हैं आधार आप लोगों को चाहिए और आप लोगों के फैमिली मेंबर में जितना भी मेंबर्स हैं सभी का आधार यहां पर चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप लोग आधार कार्ड भी दे सकते हैं और पैन कार्ड भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग आधार का ही यूज करें। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन किन लोगों को कनेक्शन मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल्स दिया गया है। फर्स्ट नंबर में आप लोग देख सकते हैं एडल्ट वुमेन के लिए है, या तो वो आपकी मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, या फिर दोस्तों आप लोगों का ग्रैंड मदर भी हो सकती है, यानी कि एक फीमेल होनी चाहिए जो कि वुमेन हो, एडल्ट हो, 18+ हो। और दोस्तों आप लोग इन कैटेगरीज में आने चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आप लोग यूज कर रहे हो तो आप लोग यहां पर एलिजिबल हो। उसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हो पुअर हाउस होल्ड एज पर 14-point डिक्लेरेशन, इसके अनुसार अगर आप लोग हो तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा कनेक्शन। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर में आप लोग देख सकते हैं कम से कम 18+ होना चाहिए वो वुमेन। और उसके बाद तीन नंबर में आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि कोई भी एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए उसी हाउस होल्ड में, तो यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो जाते हो अगर आप लोग इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो। तो दोस्तों अब कस्टमर्स को क्या फायदा होगा उज्ज्वला कनेक्शन लेने के बाद, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो बेनिफिट्स टू कस्टमर पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहां पर जितने भी बेनिफिट्स है सब कुछ यहां पर दिखाए गए हैं, तो आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं। और जो पहला सिलेंडर मिलेगा वो फ्री मिलेगा दोस्तों, और कनेक्शन भी आप लोगों को फ्री मिलेगा। सारा डिटेल्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं अप्लाई का प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों को कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन। आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ पर एक बार फिर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारा फिर से बताया गया है, तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। फिर आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन पोर्टल का, तो आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों तीन ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे कि कौन से कंपनी से आप लोग यहाँ पर कनेक्शन लेना चाहते हैं। एक तो पहला इंडियन ऑयल, जिसे इंडियन के नाम से भी जाना जाता है, भारत गैस है, फिर एचपी गैस है। तो दोस्तों आप लोगों के नजदीकी में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या तो वो इंडियन ऑयल के हो, या फिर भारत गैस के हो, या फिर एचपी गैस के हो, उन्हीं से आप लोगों को कनेक्शन लेना है, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा सुविधा होगा, आप लोगों का सिलेंडर उन्हीं के द्वारा पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्शन लेंगे तो ज्यादा आप लोगों को आसानी रहेगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं एचपी गैस के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरे नजदीकी में एचपी गैस का ही डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मैं यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करूंगा। आप लोग इन तीनों में से किसी भी कंपनी से अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो myhpgas.in ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रेगुलर कनेक्शन, रजिस्ट्रेशन और उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आई एक्सेप्ट, इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर हमें सिंपली ये फॉर्म फिल करना होगा। तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को लोकेशन वाइज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो स्टेट में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद
आप लोगों को अपना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे आप लोग क्लिक कर देंगे यहाँ पर पूरा फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ईकेवाईसी के लिए आप लोगों को यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देना होगा, टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को माय करंट एड्रेस इज सेम एज आधार, यानी कि आप लोगों के आधार में जो भी एड्रेस है वही आप लोगों का करंट एड्रेस है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर टिक पर क्लिक करूंगा। और यहाँ पर आप लोगों को आधार नंबर और वर्चुअल आईडी नंबर दोनों का ऑप्शन दिया गया है, तो मैं सिंपली आधार नंबर पर ही सेलेक्ट रखूंगा और यहाँ पर आधार नंबर फिल कर दूंगा। आधार नंबर फिल कर देने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओटीपी से आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है। फिर कैप्चा आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आप लोगों को अपना डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। जिसके भी नाम से आप लोग कनेक्शन ले रहे हो वही नाम यहाँ पर फिल होगा। यहाँ पर फुल नेम आप लोगों को फिल करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल हो जाएगा। मिस्टर मिसेस आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कर दीजिएगा। लास्ट नेम यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पर चूज कर लेना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप लोगों को यहाँ पर कास्ट सेलेक्ट करना है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पर राशन कार्ड का डिटेल्स मांगा जाएगा, यानी कि राशन कार्ड कौन से डेट में इशू हुआ था वो आप लोगों को यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल करना है। फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कनेक्शन का एड्रेस आप लोगों को फिल कर देना पड़ेगा, जिसमें कि आप लोगों को कॉन्टेक्ट भी करा जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्डिंग नंबर, टाउन, स्टेट ये आप लोग ऑटोमेटिकली ही फिल कर सकते हैं। स्ट्रीट नेम, पिन कोड, मोबाइल नंबर और यहाँ पर फोन नंबर भी फिल कर दीजिएगा। फिर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक आधार नंबर फिर से फिल कर देना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के बैंक अकाउंट में लिंक होगा। और यहाँ पर आप लोगों को आईएफएससी कोड फिल करना है। फिर से आप लोगों को यहाँ पर आईएफएससी कोड फिल कर देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करिएगा। फिर से एक बार बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का क्या नेम है बैंक अकाउंट में वो आप लोगों को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। टाइप ऑफ कनेक्शन में आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि 5 केजी का सिलेंडर आप लोग लेना चाहते हो या फिर 14.2 केजी का, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर 14.2 केजी का ही सेलेक्ट करिएगा। फिर आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस में कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग लगा रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को आधार ही सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को आधार नंबर फिल करना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपलोड भी करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, या तो वो जेपीईजी फाइल में होना चाहिए या फिर पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करके और 50 KB से नीचे का वो फाइल होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग आधार अपलोड कर दीजिएगा सेलेक्ट फाइल में चूज करके। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में फिर से आधार ही सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आधार सेलेक्ट किया था। अब दोस्तों फैमिली मेंबर्स का डिटेल्स यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। उसके फैमिली में कितना मेंबर्स है वो आप लोगों को यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक है, दो है, या तीन है, या चार है, तो यहाँ पर हम लोग 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों को रिलेशनशिप सेलेक्ट करना पड़ेगा, हस्बैंड है, सन है, डॉटर है, जो भी है आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सिंपली एक हस्बैंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर फैमिली मेंबर का नाम यानी कि हस्बैंड का नाम फिल कर दूंगा, आधार नंबर फिल कर दूंगा। अगर आधार नंबर नहीं है तो उसका रीजन आप लोगों को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेपरेटेड आफ्टर मैरिज, अगर मैरिज के बाद अलग अलग सेपरेट हो गए हैं वो, तो इसीलिए यहाँ पर आधार नंबर नहीं है, ये आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर डेथ सर्टिफिकेट भी आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आधार नंबर नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना पड़ेगा, जेंडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एज आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पर एड मेंबर फिर से क्लिक कर सकते हैं, अगर मेंबर नहीं है तो आप लोग इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आई एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों को सिंपली इस पर टिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट इस फॉर्म को फिल करने के बाद मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सारा डिटेल्स फिल कर दिया है और मैं यहाँ पर सबमिट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ दोस्तों यहाँ पर कोई भी रिस्पांस अभी नहीं आ रहा है। शायद ये सर्वर का प्रॉब्लम हो या फिर ये वेबसाइट का प्रॉब्लम होगा या फिर शायद हो सकता है कि टाइमिंग का प्रॉब्लम हो, आपको ऑफिस टाइमिंग में ही अप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पर आप लोग सबमिट पर क्लिक कर दोगे आप लोगों के पास एक ट्रैकिंग आईडी आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चेक स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करोगे। चेक स्टेटस पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर उज्ज्वला सेलेक्ट करना है, फिर रेफरेंस नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लोगों को फिल करना होगा। फिर ये जो कैप्चा है कैप्चा फिल कर देने के बाद चेक स्टेटस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का स्टेटस यहाँ पर शो होगा। तो दोस्तों अप्लाई कर देने के बाद आप लोगों को आपके डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा बुलाया जाएगा सेंटर में और आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। फिर अगर आप लोगों का सारा डॉक्यूमेंट सही होगा तो दोस्तों वो वहां पर वेरीफाई कर देंगे और आप लोगों का कनेक्शन जुड़ जाएगा, जिससे कि आप लोगों का सिलेंडर भी मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों अगर आप लोग ऑनलाइन का झमेला नहीं चाहते हो तो आप लोग सिंपली जा सकते हो अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर
इंपोर्टर में। तीनों ही कंपनियां बेस्ट है, एचपी गैस के पास भी जा सकते हो, इंडियन के पास भी जा सकते हो और भारत गैस के पास भी आप लोग जा सकते हो। और वहां पर जाने के बाद ऑफलाइन आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आप लोगों को फिल करके जमा कर देना होगा और सारा डॉक्यूमेंट भी जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऑफलाइन वो वेरिफिकेशन करके आप लोगों का कनेक्शन ऐड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए, ऑनलाइन का क्या प्रोसेस होता है और ऑफलाइन का भी क्या प्रोसेस होता है। आप लोगों को नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर के पास विजिट करना पड़ेगा, सारा डॉक्यूमेंट जमा करना होगा और वेरीफाई करने के बाद आप लोगों का कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।